ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों के श्रृंखला में आज सत्र पाँच सौ बत्तीस फाइव थ्री टू में सभी भक्तों का स्वागत है हम सभी यहाँ पर श्रीमद भागवत महापुराण को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाम्र संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे जैसा कि सत्रों का प्रारूप है वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद श्रवण भक्तों के संग पठन मनन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हम स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद दस अध्याय 47 जहां भ्रमर गीत की समाप्ति होती है भ्रमर गीत की नाम की के अध्याय के माध्यम से उद्धव के व्रज में प्रवेश करने से लेकर माधुर्यरस वात्सल्य रस सखा रस, रस दास्य रस सबका संयुक्त मिश्रण अपनी उच्चतम अवस्था में अभिव्यक्त जिस स्थान पर होता है वहां उद्धव का प्रवेश होता है तो गोप ग्वालों के द्वारा गोपियों के द्वारा नंद बाबा मैया यशोदा के द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण और उस चित्रण को अपने जीवन में अनुभव करने वाले भक्त और साधक का हृदय किस प्रकार सदैव उस रस में आप्लावित रहता है उद्धव ने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा तो ब्रज में प्रवेश करने से लेकर विभिन्न रसों का मिश्रण विभिन्न साधकों की अवस्थाओं को देखने के पश्चात प्रति प्रशंसित भरे शब्दों को प्रस्तुत करने के पश्चात उद्धव वापस मत दृष्टिकोण तो से उद्धव चाहे तो व्रजमंडल में रह सकते हैं पर कृष्ण ने दूध के रूप में भेजा था उद्धव को पुनः वापस आकर कृष्ण के द्वारा प्रतिदिन व्रजवासियों को स्मरण करते हुए जिस गहन प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उद्धव ने देखा था उन्हें वापस आकर बताना आवश्यक हो गया था कि जितना प्रेम जितना स्नेह आप आपको लगता है कहीं नंद बाबा सखियां मित्र ग्वाल बाल मुझे भूल तो नहीं गए वैसे ही ब्रजमंडल में प्रत्येक चर और अचर पशु पर्वत नदी विभिन्न स्थान सभी आपको उसी आकुल और व्याकुल स्थिति में आज भी स्मरण कर रहे हैं कृष्ण ये बताते हुए और कृष्ण के निजी पार्षद के रूप में व्यवहार आगे की घटनाओं में अपनी भूमिका निभाने के लिए उद्धव वापस आ जाते हैं तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद दस अध्याय अड़तालीस अध्याय अड़तालीस जिसका नाम है कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि तो जहां पर यदि हमें स्मरण हो तो मथुरा में प्रवेश करते ही भगवान ने कुब्जा को कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो भगवान यहाँ कुब्जा के यहाँ जाते हैं तत्पश्चात अक्रूर के यहाँ जाते हैं अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर भगवान इन सब संवादों का घटनाओं का इस अध्याय में उल्लेख है जिसे हम सभी मंगलाचरण के पश्चात क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये श्रन्वतां स्वकथा कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तनं यत्यंत स्तोय भद्राणि विभुनोतीह्यत्ता नष्टिष्व भद्रेश नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भवति नष्टि ओम अज्ञाति मीरांध से येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कौर भक्तवृंद हरी कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरी हरी हरे राम हरि राम 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 हरि हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरि हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की श्रृंखला में हम सभी आज सत्र 532 सौ बत्तीस फाइव थ्री टू आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद दस अध्याय अड़तालीस जिसका नाम है कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि करीब छत्तीस श्लोक है इस अध्याय में तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर मैं यहाँ श्लोक भी प्रस्तुत करूंगी श्री अथ कुय भगवान सर्वात्मा सर्व दर्शन काम तप सत्ताया प्रियम इक्षण ग्रीहम ययो शुकदेव गोस्वामी ने कहा उद्धव के संदेश को आत्मसात करने के बाद समस्त प्राणियों के सर्वज्ञ आत्मा भगवान कृष्ण ने सेवा करने वाली लड़की त्रिवक्रा को तुष्ट करना चाहा जो कामवासना से पीड़ित थी अतः वे उसके घर गए तो जहां हमें स्मरण हो कुब्जा ने भगवान को अपने घर पर आमंत्रित किया था जब भगवान रंगभूमि में प्रवेश करने से पहले बलराम और अन्य ग्वाल बाल मित्रों के साथ नगर घूम रहे थे तो सुगंधित सुवास से युक्त लेप चंदन ले जाते हुए कुब्जा से भगवान ने अपने और अपने मित्रों के लिए सखाओं के लिए मांगा था कुब्जा ने सहर्ष भगवान को अर्पित कर दिया था तो अत विज्ञाय भगवान अर्थात उद्धव की सूचना को जान लेने के पश्चात अपने सुख के लिए भगवान को किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है अपनी खबरों को जानकारी को प्राप्त करने के लिए भगवान को किसी अन्य को संदेश बनाने की संदेश कार्य के लिए दूत बनाने की नियुक्त करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है पर सर्वदर्शन ऐसा भगवान दिव्य लीला के उस आनंद में जहां आदान प्रदान के संयोजन से अन्य प्राणी अपने आप को प्रेरित अनुभव कर सके भगवान द्वारा संपादित की जाती है तो आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि भगवान के वासियों की भावनाओं को पूरी तरह समझते थे और मन ही मन वास्तव में उनके साथ भाव विनिमय में संलग्न भी थे। अपनी बहिरंग लीलाओं में वे श्रीमती त्रिवक्र को आशीर्वाद देना चाहते थे क्योंकि उन्हें बहुत ही काम के रोग से मुक्त करना उनका उद्देश्य था उन्होंने उसके लिए वचन प्रतिबद्धता सुनिश्चित की थी श्लोक संख्या दो में महाअोपस्कर्यम मुक्तात्मा क्षमा कीजिए महाअहपस्कर बृन्हित मुक्ता धाम पता का भी वितान शयनासने धूपे सुर भी दीपे है त्रिवक्रा का घर सात से से बड़ी शान सजाया हुआ था और, और सुगंधित अगरू दीपक फूल मालाएं तथा सुगंधित चंदन लेप भी था तो जहाँ भगवान प्रवेश करने वाले हैं वहां सब कुछ वैसे भी सौंदर्युक्त हो जाता है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि त्रिवक्रा प्रतिदिन अपने घर को इस प्रकार से सजा के रखती थी उसके मनोभावों को समझना कठिन नहीं था भगवान कृष्ण उसे भौतिक जगत से बचाने के लिए विचार करके उसके घर पहुंचते हैं छंद संख्या तीन में उल्लेख आता है तमा सत्य समु जात संभ्रमा यथोप संगम्य सखीभ्यच्युत सभा जया सदासना जब त्रिवक्रा ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह हड़बड़ा कर तुरंत ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई अपनी सखियों समेत आगे आकर उसने भगवान अच्युत को उत्तम आसन तथा तो पूजा की अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए उनका सत्कार किया है तो त्रिवक्रा भगवान की स्वागत के लिए जब खड़ी होती है तो उसकी स्वयं की भी दासियां हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अपनी सखियों के संग वो हड़बड़ाते हुए भगवान को अपने घर की ओर आता हुआ देखकर खड़ी होकर पूजा सामग्री से उनका सत्कार करने लगी कैसे पूजितो नशीदत उम अभिम्रेशा कृष्णो पितूर्णम शयनम महाधनम विवेश लोका चरितान्यनुप्रत उद्धव को भी सम्मान युक्त आसन प्राप्त हुआ क्योंकि वे साधु सदृश पुरुष थे अतः तो उन्होंने उसका स्पर्श ही किया और फिर फर्श पर बैठ गए तब भगवान कृष्ण मानव समाज के आचारों का अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाली शैया पर लेट गए तो भगवान को ऐश्वर्य युक्त आसन प्रदान कराया भगवान उद्धव के साथ गए हैं उद्धव को भी सम्मानजनक आसन प्रदान किया गया पर साधु पुरुष सदृश ने उसको स्पर्श किया अर्थात मैं इसे स्वीकार करता हूं और तत्पश्चात वे फर्श पर ही बैठ गए श्लोक संख्या पांच में आगे इस घटना का उल्लेख करते हुए कुब्जा के घर भगवान के इस प्रकार जाने को बताते हुए कहते हैं आचार्य सामभूषण ृगंधतांबूल सुधासमो उपससारधव सव्रीन लीलोस्मित्रम ब्रह्मचिक्षिते नहाकर अपने शरीर में लेप लगाकर तथा सुंदर वस्त्र पहनकर और और मालाएं पहनकर सुगंध लगाने के बाद पहुंची जहाँ आवश्यक है आचार्य भगवान के विभिन्न संबोधनों को अत्यधिक सतर्कता और सावधानी से प्रयुक्त करते हैं भगवान को यहाँ पर माधव कहा गया है भगवान ने मथुरा में प्रवेश करने पर अक्रूर ने उनसे अपने घर चलने का अनुरोध किया था भगवान ने कहा था हम बाद में आएंगे आप चलिए हम बाद में आएंगे कुब्जा ने कहा है भगवान मेरे घर चलिए भगवान ने कहा हम बाद में आएंगे तो अब अपने शब्दों को सदैव ही सत्य करने वाले अधोक्ष माधव कुब्जा के यहाँ इस प्रकार बसते है आहूत आहू नवसंग मैया विशंकिता कंकण भूषिते करे प्रग्रीयशय्यामिवेशमियाुलेपणपुण्यलेशया इस नवीन संपर्क की प्रत्याशा से शशंकित तथा लजीली प्रेमिका को आगे आने के लिए बुलाते हुए भगवान ने कंगन से सुशोभित उसके हाथों को पकड़कर अपनी सेज पर खींच लिया इस तरह उन्होंने सुंदरी सुंदरी के साथ रमण किया जिसकी एकमात्र पवित्रता इतनी ही थी कि उसने पहले किसी समय भगवान को ले परपित किया था तो आचार्य कुब्जा को माता भूमि भूमि के एक अंश के माता पृथ्वी के एक अंश के रूप में बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पृथ्वी सदैव भगवान उनके धराधाम पर अवतरण पे अपने चरण रच से उनको पवित्र करें इस भाव से आती है तो भौतिक दृष्टि से भौतिक जगत में चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्यों से निम्न योनि के प्राणी हो पशु हो पक्षी हो या मनुष्यों से उच्च श्रेणी के प्राणी हो देवता इन सब में इंद्रियों को सुख पहुंचाने का जो क्रम है वो आध्यात्मिक जगत से अत्यधिक भिन्न होता है तो कहते हैं यहाँ पर कि भूमि तो वैसे भी अपने वक्ष पर सदैव भगवान के चरण को, को, भगवान के चरण इसके स्पर्श को प्राप्त करने के लिए अभिलाषित रहती है भगवान ने माता पृथ्वी के अंश रूप त्रिवक्रा को उसकी सभी इच्छाओं के साथ संतुष्ट किया है सान तप्त कुछ क्षण जिग्रं त अनंत चरणीन रुजो मृजंती प्रोभ्याम स्तनान्तरगतं परिरभ्य कांतं आनंदमूर्तिम मजहादति दीर्घतापं तो संभवतः तो यहाँ यहां पे ब्रह्म संहिता लगेगा सानंग तप्तकुचयो रस तथा क्षणो अनंत चरणी घ्रंती अनुजो मृजती मजहा अति तापम भगवान के चरण कमलों की सुगंधि से ही त्रिवक्रा ने अपने स्तनों छाती तथा आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई काम वासनाओं को धो दिया अपनी दोनों भावों से उसने अपने स्तनों के मध्य स्थित अपने प्रेमी श्री कृष्ण का आलिंगन किया जो आनंद की मूर्ति है और इस तरह उसने अपने व्यथा को त्याग दिया। दीर्घ अंग अंगराग अर्पणे हो दुर्भगा इदम अयाचत केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार पाकर उस अभागी त्रिवक्रा ने स्वतंत्रता के उन स्वामी से निम्नलिखित याचना की है तो जहां इस भौतिक जगत में सुख प्रदान करने वाली इंद्रियों की रचना करने वाले भी भगवान है और उन इंद्रियों से किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा आंखों को देखने से मुंह से खाने से विभिन्न प्रकार के रसों का जीवा के विभिन्न भागों से शरीर के पाचन तंत्र में विभिन्न भागों से जिस कार्य को करने से जिस प्रकार का सुख प्राप्त करने की अभिलाषा ये जीव रखता है जीव को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि वो रस प्रदान करने वाले भी स्वयं भगवान ही है विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के अनुसार श्रीमती त्रिवक्रा ने भगवान से प्रार्थना की है मोक्ष के उन स्वामी से याचना की है तो क्या प्रार्थना की है कृपया मेरे साथ रमन करें साथ करें अन्य किसी स्त्री के नहीं और क्योंकि कृष्ण ऐसा वर देने को राजी नहीं है इसलिए त्रिवक्रा को अभागी कहा गया है तो श्रीधर स्वामी कहते हैं यद्यपि सामान्य दृष्टि से वह भौतिक काम सुख की याचना करती हुई प्रतीत हो रही थी पर वास्तव में अब वो मुक्त आत्मा हो चुकी थी छंद संख्या नौ में इस याचना को स्पष्ट करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं संगम त्रिवक्रा ने कहा हे hey, प्रियतम आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ दिन और रुके और रमन करें हे hey, कमल नेत्र मैं आपका साथ छोड़कर नहीं रह सकती तो अम्बुरुह कहा गया यहाँ पर भगवान के सौंदर्य जो समस्त जगत के सभी प्रकार के सौंदर्य के स्वामी हैं, उनका संग पाकर त्रिवक्रा के लिए ऐसी प्रार्थना करना स्वाभाविक था पर भगवान का सौंदर्य आध्यात्मिक और विशुद्ध है किसी भी भौतिक जगत की कलिश्मता कलुषता से अत्यंत परे की बात है और इसलिए भगवान का मंतव्य त्रिवक्रा के साथ स्वयं की तृप्ति कराने का नहीं था अपितु तो उसे शुद्ध कृष्ण भावनामृत स्तर तक लेकर आना था हरिदास ठाकुर के सामने जब उनके संत स्वभाव से पीड़ित हो रहे मानव जगत के दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा उनके चरित्र हनन के लिए एक स्त्री भेजी जाती है तब तीन दिन के भीतर उस वो कहती है मैं आप आप साध, आप साधु हैं मैं आपसे मुझे संतुष्ट करने की याचना लेकर आती हूँ और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि पहले आप मेरी जब संख्या अवश्य मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा पर मेरी जब संख्या पूरी हो जाने दे और हरिदास ठाकुर माला प्रतिदिन लाख हरिनाम का उनका नियम है घंटे घंटे व्यवहारिक रूप से हमें संभव नहीं लगता ये पर जब आध्यात्मिकता के स्तर पर जीव होता है साधक होता है तब भौतिक क्रियाएं गौड़ हो जाती हैं तब सोना जागना भूख लगना थकान होना जिस प्रकार देवताओं और मनुष्यों के जीवन में क्या अंतर है पहले के कर्मकांड में जीव देवता क्यों बनना चाहते थे और इसके लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन क्योंकि देवताओं की इंद्रिया शिथिल नहीं होती कभी किसी बूढ़े देवता इंद्र बूढ़े हो गए हैं ऐसा हमने नहीं श्रवण किया देवताओं की पलके नहीं झुकती निमिष थकान होने पर जो सुप्त अवस्था तंद्रा की अवस्था सामान्य मनुष्यों की है वैसी देवताओं की नहीं होती देवता के चरण कभी धरातल का स्पर्श नहीं करते देवताओं द्वारा पहनी गई मालाएं कभी कुंभलाती नहीं है देवताओं को कभी स्वेद पसीने जैसे विकार नहीं आते इसलिए तो जब महाभारत की घटना में हम श्रवण करते हैं दमयंती को प्राप्त करने की चाह देवताओं को भी थी और दमयंती स्वयं के द्वारा सीधे नल को अपने पति के रूप में चुनना चाहती थी तो पांच देवता नल के जैसा शरीर धारण करके स्वयंवर में उपस्थित होते हैं तो जब दमयंती के सामने अवसर आया तो नल खड़े थे और कुछ क्षण के लिए विदुषी दमयंती सोचने लगी कि इसमें से मनुष्य मनुष्य रूप रूप में में वाले नल कौन है ये कैसे पहचाने तो उन्होंने देखा कि देवताओं के चरण धरती का स्पर्श नहीं कर रहे हैं उनकी माला कुमलाई हुई नहीं है उनकी परछाई नहीं बन रही है उनको पसीने जैसे स्वेद युक्त विकार नहीं है और क्योंकि नल तो रथ चलाकर पहुंचे हैं उनके जो माला उन्होंने धारण किए उसके पुष्प कुमला रहे हैं उनकी परछाई बन रही है तो तुरंत अंतर पहचान लेती है तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मनुष्यों से उच्चतर देवताए और परम सर्वोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम के पद पर जो आसीन है वो भगवान है तो कई बार ये भी प्रश्न आता है इतने र, इतना आ, विलास आ, इतने उच्च स्तर का ऐश्वर्य होता है स्वर्ग में और फिर वहां भी सभी समय ऐसा लगता है कि इंद्रिय सुख के लिए देवता अप्सराएं इस प्रकार का प्रसंग चल रहा होता है शास्त्र में उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि इनका उद्देश्य और उनके द्वारा संपादित की गई घटनाओं का परिणाम जिस प्रकार भौतिक जगत में स्त्री पुरुष संग करें और संतानोत्पत्ति के रूप में होता है उच्च लोगों के जीवों के लिए ये स्थितियां भिन्न है तो किसी आवश्यक अवसर पर हम लोग उसका विस्तार से श्रवण करेंगे उद्देश्य यहाँ पर यह समझना है कि त्रिवक्रा क्योंकि रूप में, उनकी अभिलाषा हो सकती है कि भगवान केवल मेरे साथ रहे और वो भौतिक धरातल पर गोपियों के भाव में और त्रिवक्रा के भाव में आचार्यों ने स्पष्ट अंतर किया है गोपियों का भाव शुद्ध आध्यात्मिक भाव था त्रिवक्रा के भीतर भौतिक कामना उत्पन्न रहती है और भगवान हरिदास ठाकुर ने जैसे स्वयं के पास भेजे गई स्त्री का उद्धार किया था तीसरा दिन जाते जाते जब तक हरिदास ठाकुर की माला खत्म होती तब तक ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका होता और इतना आचार और शिष्टाचार तो समाज में सदा सर्वदा सनातन संस्कृति में व्याप्त रहा है कि किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए इसकी अनुभूति रहे ब्रह्म मुहूर्त होते ही जिस तुलसी के पौधे के सामने हरिदास ठाकुर स्वयं जाप कर रहे होते थे और वहां उनकी प्रतीक्षा में वहीं बैठे बैठे सो गई वो स्त्री सुबह ब्रह्म होते ही स्वयं तुलसी को जलदान करने लग जाती थी फिर वो प्रतीक्षा करती थी समाप्त होगा तब शायद कृपा करेंगे और इस प्रकार तीसरे दिन जाते, जाते एक, एक बार हरिनाम मुख से ना निकालने वाली उस नारी के द्वारा हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की गई कि मुझे हरिनाम की दीक्षा दे ऐसा सुख और ऐसा शांत ऐसा संतृप्त व्यक्ति और आचरण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं यहाँ जिस दुराग्रह से आपको भेजा गया है उससे पहले से परिचित था मेरा उद्देश्य किसी का प्रतिकार करना नहीं था मैं तो यहाँ से कब का चला जाता लेकिन आपका उद्धार करना बाकी था तो उन्होंने वो कुटिया और वो तुलसी महारानी वहीं उनके संरक्षण में छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान किया है और शिष्य के रूप में उसे स्वीकार करने से पहले कहा जितनी जितना धन जितनी भोग ऐश्वर्य की सामग्री आपने आज तक एकत्र की है उसे गरीब जनों में जिनको इसकी आवश्यकता है उनमें बांटकर यहाँ प्रतिदिन माला कम से कम जाप करें और उसके पश्चात नियमित संयमित रहकर आचरण करते हुए आप जीवन व्यतीत करें तो यहाँ पर भगवान उपस्थित हैं त्रिवक्रा की एकमात्र योग्यता आचार्य ने कहा है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ मांगा है और त्रिवक्रा ने उसे प्रदान किया था इसलिए भगवान उनको कृतार्थ करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाते हैं तो उनके द्वारा ये याचना करने पर कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ कृपया आप मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करें भगवान ने उन पर कृपा की है श्लोक संख्या दस में तस् काम वरम दत्वागम त्रिम इस काम इच्छा को पूरा करने का वचन देकर समस्त जीवों के स्वामी सबका मान रखने वाले कृष्ण ने त्रिवक्रा का अभिवादन किया और तब उद्धव समेत अपने अत्यंत शक्तिशाली अपने अत्यंत समृद्धशाली धाम को लौट आए हैं तो सारे आचार्य मानते हैं कि कामवरम दत्वा शब्द सूचित करता है कि कृष्ण ने को वचन दिया था कि वे उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे श्लोक संख्या ग्यारह में उद्धव के साथ वापस लौट आए भगवान दुराध्यम समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम यो वृणीते असत्वात कुमनीशीयसो सामान्यतया समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है अतः जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है क्योंकि वह तुक्ष फल से तुष्ट हो जाता है राजा सामने बैठा हो और प्रसन्नता से याचक से कहे कि मुझसे कुछ भी मांग लो और उदाहरण आता है कि उसमें एक बोरा अनाज मांगने वाले व्यक्ति को बुद्धि ही कहा जाएगा आचार्यों की टीकाओं के अनुसार त्रिवक्रा की कथा को हमें दो स्तर पर समझना है एक और भगवान की प्रत्यक्ष संगति एवं उनकी लीलाओं में भाग लेने के कारण वो मुक्तात्मा मानी जाती है मथुरा पहुंचते ही किसी भी वर्णन में वृतांत में भगवान के कुब्जा की कथा आती है और दूसरी ओर उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये आचरण जहाँ वो भौतिक दृष्टि से स्वयं को तृप्त करने के लिए भगवान से याचना कर रही है वो ये शिक्षा प्रदान करने के लिए है कि कृष्ण का भक्तों का गुरु का साधु जन का संग प्राप्त होने पर क्या नहीं करना चाहिए तो कृष्ण की सारी लीलाएं आचार्य है, कहते हैं पूर्णतया आनंद देने वाली है और आनंद के साथ साथ ये सामान्य जन को उपदेशात्मक क्या अनुसरण किस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए ये सिखाने वाली है तो इस लीला में कुछ भी विरोधात्मक नहीं है हमें ये नहीं सोचना है कुब्जा ऐसा कैसे कर सकती है भगवान का संग प्राप्त होने के पश्चात भी कोई भौतिक स्तर पर कैसे सोचता रह सकता है लेकिन विचार करने की बात यहाँ पर यह है कि भगवान तो अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता जो जीवन जीने की आचार संहिता है वो सिखाते हैं गोपियों के माध्यम से श्रीमती राधा रानी के संग से साधक पूर्ण वियोग में रहकर भी कितनी भगवान के प्रति प्रतीक्षारत प्रीति रख सकता है ये सिखाते हैं तो कुब्जा के माध्यम से की इस घटना से भगवान ये सिखाते हैं भक्तों को कि जब हम भगवान के समक्ष हों जब हम भगवान के लिए अपना जीवन का समय दे रहे हो जब हम गुरु के समक्ष बैठे हों जब हम साधु जनों का संग कर रहे हो तब हमें किस प्रकार की वार्ता चर्चा और कार्यों में संलग्न नहीं होने होना चाहिए त्रिवक्रा के बारे में किसी भी प्रकार की निम्नतम बात सोचने की हमारी अधिकार हमारा श, हमारी क्षमता नहीं है हमें ये विचार करना है कि क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि त्रिवक्रा को भगवान प्राप्त हुए हैं इसलिए वो अंत पूर्णतया सुखमय है हमारे द्वारा कोई निर्णय लेने की उसमें अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है श्लोक संख्या बारह में कहते हैं अक्रूर भवनम कृष्ण सह रामोधव प्रभु अक्रूर प्रिय काम्यया तत्पश्चात भगवान कृष्ण कुछ कार्य कराने की इच्छा से अक्रूर के घर बलराम और उद्धव के साथ गए हैं भगवान अक्रूर को भी तुष्ट करना चाहते थे तो श्री कृष्ण की दैनिक नित्यचर्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर झांकियाँ प्रस्तुत की जा रही है भगवान कुछ कुछ जो कार्य हैं उनको संपादित कर रहे हैं तो भगवान का जो सामाजिक शिष्टाचार का प्रस्तुतिकरण है वो कितना मनोहारी है त्रिवक्रा के यहाँ जाते हैं उद्धव के साथ और क्योंकि अब राजनीति और दूरगामी भविष्य की घटनाओं के प्रति क्रियान्वयन आरंभ करना है वहां अपने बड़े भाई बलराम और उद्धव के साथ तो वहां बलराम जी भी साथ में गए हैं क्योंकि जब अक्रूर लेकर आए थे तो उन्होंने कृष्ण और बलराम से कहा था कि हमारे घर पधारे सतान नरवर श्रेष्ठान आगत वीक्षवान सतान नरवर श्रेष्ठान आराद्विक्ष स्वबांधवान प्रत्युत्थाय प्रमोदिता परिश्वज्य अभिनंद्यच नना न नाम कृष्णम रामम च सतेरप्य अभिवादित पूजया मास जब अक्रूर ने अपने ही संबंधी पुरुष शिरोमणियों को दूर से आते देखा तो वे हर्ष पूर्वक उठकर खड़े हो गए उनको गले मिलने आलिंगन और स्वागत करने के बाद अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया फिर जब उनकी अतिथि आसन ग्रहण कर चुके तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों नियमो के अनुसार उनकी पूजा की है वास्तव में सामाजिक शिष्टाचार में जैसे देवकी और वसुदेव भगवान को अपने समक्ष पाकर सोचने लगे कि कृष्ण और बलराम द्वारा इस प्रकार शीश हमारे चरणों में रखने से हमें क्या करना चाहिए हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए हमें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए वैसे ही अक्रूर की स्थिति है यहाँ पर अक्रूर सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो भगवान सर्व सम्माननीय है पर यहाँ उनके द्वारा इस प्रकार मुझे प्रणाम करते हुए आलिंगन करते हुए नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हुए इस क्रम में मुझे क्या करना चाहिए तो शिलजी गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि कृष्ण और अन्य लोग मित्र के रूप में अक्रूर के पास पहुंचे थे इसलिए अक्रूर ने बदले में पहले मित्र भाव प्रदर्शित किया है आलिंगन करके और तब आतिथ्य करते हुए भगवान की ओर स्वामी भक्ति जो स्वाभाविक रूप से भक्ति भाव है उसको प्रदर्शित किया है श्लोक संख्या पंद्रह और सोलह में पादा बने जनी आप पादा बने जनी आ आप धार सान अर्णी नंबरे दिव्य गंधस्रभूषणोत्तमें अर्चिवा शिरसानम्य पाद अंक गौ प्रश्रया अक्रूर कृष्ण राषत राजन अक्रूर ने भगवान कृष्ण तथा बलराम के चरण पखारे और तब उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र सुगंधित चंदन लेप फूल मालाएं तथा उत्तम आभूषण भेंट में दिए इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के बाद उन्होंने अपने शिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया है फिर वे कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे और नम्र भाव से अपना सिर नीचे किए कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार बोले तो जैसे हमने सुदामा के द्वारका में भव्य स्वागत के चित्र को कई बार देखा है भगवान सुदामा के चरणों को पखारने के पश्चात नीचे बैठे हुए अपनी गोद में उसको लेकर पूछते हैं पखारने के पश्चात वैसे ही यहाँ पर हमें अक्रूर का चित्रण करना है कि भगवान कृष्ण और बलराम आसन पर विराजमान है और अक्रूर उनके चरणों को दबाते हुए अपनी गोद में लेकर कृष्ण और बलराम से कुछ निवेदित करते हैं क्या कहते हैं सबसे पहले स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं दिष्ट पापो हत कंसानुवादम कुलद्याम उत्तरता समेत अक्रूर ने कहा ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया है इस तरह आपने अपने वंश को अंतहीन कष्ट से उभार इसे समृद्ध बनाया है युवां प्रधान पुरुषो जगत दे तो जगन मयो भवद्याम न विनाकिंचित परम अस्ती न चापरम आप दोनों आदि पुरुष ब्रह्मांड के कारण तथा इसके सार हैं जरा सा भी सूक्ष्म कारण या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं रह सकती अक्रूर ने भगवान कृष्ण और बलराम को साक्षात उनके विराट ऐश्वर्य सौंदर्य सृष्टि के सृजनकर्ता संहारकर्ता पालनकर्ता के रूप में मथुरा में प्रवेश करने से पहले जहां हमें स्मरण होगा दर्शन कर लिया था तो अक्रूर भगवान की स्वाभाविक स्थिति को जानते हैं अक्रूर भगवान के भक्तों में आते हैं और सदैव से भगवान के संग की आस रखने वाले अक्रूर यहाँ भगवान के द्वारा अपने वंश की रक्षा के लिए कंस के वध की बात उल्लेखनीय करते हुए आचार्य कहते हैं कहना चाहते हैं कि भगवान किसी देश विशेष राजनीति विशेष सामाजिक संस्था या राजनीतिक संस्था इन सब के साथ भौतिक संबंधों में नहीं जुड़े हैं। वे आदि भगवान हैं और समग्र ब्रह्मांड के लाभ हेतु अपनी विभिन्न लीलाएं संपन्न करते हैं तो सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति भगवान से परे नहीं है भगवान के बारे में अक्रूर के द्वारा ये उद्घाटन राजनीति से पूर्ण जहां नियमावली महत्वपूर्ण होती है उस विषय को स्पष्ट करने के लिए कि कहने के लिए राजनयिक पुरुष के रूप में अक्रूर सुशोभित है और भगवान ने भी जो तत्कालीन समाज की राजनीति है उसको व्यवस्थित किया है पर अक्रूर कहते हैं आप उससे भी बहुत ऊंचे हैं <laughs> आत्मश्रेष्टम इदम विश्वम अन्वाविश्य विश्य स्वशक्ति भी ईयते प्रत्यक्ष गोचरम हे परम सत्य आप अपनी निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और तब उसमें प्रवेश करते हैं इस तरह महाजनों से सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है हमारे लिए समझने का विषय यहाँ पर यह है कि जो जिस भाव से भगवान को स्वीकार करना चाहे भगवान उसके लिए उस रूप में उस लीला के द्वारा उस कार्य का संपादन करके प्रस्तुत होते हैं जीव सीमित है इसलिए अपनी सीमित मानसिकता में भगवान के अस्तित्व को बांध सकता है भगवान अपने आप में असीमित है अपने हर क्षण के प्रतिदिन के कार्य में मैं अपने व्यक्तिगत उदाहरण के लिए कहूंगी अनेकों बार अनेकों बार ये सब कुछ श्रवण करने के पश्चात भी अनेकों बार प्रतिदिन ऐसा अवसर आता है जिस क्षण में व्यक्ति स्वयं को उस कार्य का करता या जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसको भोगने का साधन चाहे वो सफलता हो चाहे वो असफलता हो या जिस स्थिति में है उसमें स्वयं की प्रभुता को मानने लग जाता है हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं हम भगवान के दास हैं हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं सृष्टि का एक एक शन का कण भगवान की इक्षा के बिना संचालित नहीं हो सकता पर कितनी बार आवश्यकता और अवसर आने पर हम ये स्मरण रख पाते हैं उस संख्या को गिनने के पश्चात जितनी कम बार हम स्मरण करना रख पाते हैं उस कार्य और उस स्थिति में उतनी अधिक बार हमें अपने श्रवण को हमें अपने मनन को भगवान के प्रति अपने चिंतन को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यूं ही माया देवी को अत्यधिक प्रभावशाली महत्ता युक्त नहीं कहा गया जो भाव हम शब्द के रूप में व्यक्त कर रहे हैं जो भाव हम सत्संग के रूप में श्रवण कर रहे हैं जो भाव विचार के रूप में हम मनन कर रहे हैं वो भाव कार्य करते समय या उसका परिणाम प्राप्त करते समय हम कितना स्मरण रख पाते हैं ये महत्व की बात है तो ऐसा लगे कि प्रति अध्याय में जब भक्त और भगवान साधु हो या असाधु किसी संत के सामने या भगवान के सामने आता है तो पुनः पुनः और पुनः हम श्रवण कर रहे होते हैं भगवान निजी शक्ति से ब्रह्मांड का सृजन करते हैं उसमें प्रवेश करते हैं और भगवान स्वामी है स्वामी है स्वामी है पर आचार्य क्यूं पुनः 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 बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से पुनः पुनः और पुनः इसको विस्मृत कर जाते हैं इस जगत की प्रत्येक घटना में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक संस्था प्रत्येक समाज में यदि ये स्मृति रहेगी कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है सर्वशक्तिमान श्रेष्ठा है सभी के नियंता है जो कुछ भी किसी के भी पास है वो भगवान की शक्ति का विस्तार है तो देखा जाए तो किसी अतिरिक्त स्वर्ग की और वैकुंठ की आवश्यकता नहीं है पर क्योंकि रचना ही इस प्रकार की है कि विस्मृति स्वाभाविक स्थिति है इसलिए आचार्य आध्यात्मिक भावनाओं में झांकने के लिए उनका आस्वादन करते रहने के लिए हमारी जो तात्विक स्थिति है उसका हमें पुनः पुनः स्मरण और बोध कराते रहने के लिए कहीं हम सस्ती मानववादी दृष्टिकोण में ना फंस जाए इस दार्शनिक तथ्य को स्मरण कराते रहते हैं कहते हैं अक्रूर आगे श्लोक संख्या बीस में यथा भूतेषु नाना महादेशु भातिना केवल आत्मनिश्वात्मात्मतंत्रो बहुधा विभाति जिस प्रकार जड़ तथा चेतन जीव योनियों में मूलभूत तत्व अपने को पृथ्वी इत्यादि अनेक अनेक किस्मों के रूप में प्रकट करते हैं उसी तरह आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि के विविधता पूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं तो ये परम सत्य वही तथ्य है जो हमने भगवत गीता में अध्याय छह सात आठ नौ दस तेरह और चौदह में प्रगति पुरुष चेतना में श्रद्धा के विभाग में श्रीमद् भागवतम के आरंभ से लेकर अनेक आचार्यों ने उद्धृत किया ऋषियों ने मुनियों ने ब्रह्मा जी ने इंद्र ने कुंती ने भीष्म पितामह ने प्रचेताओं ने नारद ने नारद मुनि प्राचीन बरिषत को ध्रुव और प्रहलाद ने अपने अपने स्थानों पर व्यक्त किया है पर सृष्टि के विविधतापूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होने वाले परमात्मा जो स्वतंत्र हैं उनको हम कितनी अधीनता स्वयं की अधीनता उनके श्री चरणों में उपस्थित रहकर प्रस्तुत करते हैं यदि वो विस्मृत हो रहा है तो हमें श्रवण की और अधिकाधिक आवश्यकता है श्लोक संख्या 21 में कहते हैं विश्व रजम सत्व गुण स्वशक्ति भी नाबद्य से तुण कर्म भी क्या ना ज्ञानात्मनस्ते क्वच बंध हेतु आप अपनी निजी शक्तियों रजो तमो तथा सतो गुणों से इस ब्रह्मांड का सृजन संहार और पालन भी करते हैं फिर भी आप इन गुणों द्वारा या इनसे उत्पन्न कर्मों द्वारा बांधे नहीं जाते सत सत रज और तम हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है आगे कहते हैं चूंकि आप समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं तो फिर मोह द्वारा आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है तो भगवान कहीं नहीं बंधे का अर्थ ये नहीं है कि वृंदावन वाले भगवान के लिए विलाप कर रहे हैं और भगवान को वियोग की अनुभूति नहीं है भगवान केवल भक्तों के, के प्रेम में बंधे हैं जब जब यहाँ पर अक्रूर पूछते हैं मोह द्वारा आपके बंधन का कारण और क्या है तो आचार्य कहते हैं सर्वज्ञ भगवान कभी मोह में नहीं रहते इसलिए निर्विशेष सिद्धांतवादी कई बार कह देते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है वो निराकार है संलिप्तता की, की आवश्यकता नहीं है पर भागवतम के पृष्ठों में इसका निराकरण किया गया है अक्रूर कहते हैं कि आप कहीं मोह के बंधन में नहीं बंधे हैं पर श्लोक संख्या बाईस में देहाद्युपाधे अनिरूपी भवो न साक्षात्मिधात्म सोक्ष अवेक चूंकि यह कभी प्रदर्शित नहीं हुआ है कि आप भौतिक शारीरिक उपाधियों से प्रक्षण हैं अतः यह निष्कर्ष रूप से समझना होगा कि शाब्दिक अर्थ में न तो आपका जन्म होता है न ही कोई द्वैत है इसलिए आपको बंधन या मोक्ष का सामना नहीं करना होता और यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो ये आपकी के कारण ही है कि हम आपको इस रूप में देखते हैं या कि हम में विवेक का अभाव है इसलिए ऐसा है अक्रूर कहते हैं दो कारण बता रहे हैं अक्रूर कि मोह का बंधन जो यदि हमें दिख भी रहा है या तो भगवान स्वयं को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे वह मनुष्य की तरह जन्म लेते हुए लीलाएं संपादित करते हुए कभी प्रिय पुत्र के रूप में कभी मित्र के रूप में कभी प्रेमी भक्ति के रूप में कभी सहायक सखा के रूप में प्रेम विनिमय के आनंद के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और कभी भगवान की जो अचिंत्य लीलाएं हैं उनका पटाक्षेप उनके उनके समझने की गतिविधियां सामान्य जीव भौतिक स्तर पर करने लगता है तो ग्यारहवें स्कंद में भगवान उद्धव के द्वारा यहाँ पूछे अक्रूर के द्वारा कहे जाने वाली बातों को उद्धव के साथ चर्चा में व्यक्त करेंगे जो भगवान की दिव्य स्थिति विवेचना भगवान स्वयं करते हैं क्योंकि सीमित कभी असीमित के बारे में नहीं जान सकता देवता ऋषि मुनि मनुष्य कहीं ना कहीं काल की गणना में बंधे हुए हैं और इसलिए सीमित है देवता ऋषि देवल व्यास अर्जुन कहते हैं इन्होंने भी कहा है कि हम आपको वहीं तक जान सकते हैं भगवान जहां से हमारी उत्पत्ति होती है पर उसके परे कैसे जाना जाए इसलिए भगवान को स्वयं अपने बारे में बताना पड़ता है जब जब ये ज्ञान परंपरा का क्रम प्रक्ष हो जाता है तब तब भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं जब भगवत गीता अध्याय चार श्लोक संख्या नौ में भगवान ने कहा है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है जब भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने इस प्रकार प्रदान किया है तो भगवान आश्वस्त करते हैं मुझे बारे में जानने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे द्वारा प्रदत्त गुरु शिष्य परंपरा के शिक्षार्थियों से लाभार्थियों से अनुभव प्राप्त करते हुए इस ज्ञान को और मुझे समझा जा सकता है विचार करके देखें इस भौतिक जगत में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम ज्ञान प्राप्त करने के जो तीन साधन है उनमें अधिकतम ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो श्रवण से प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष और अनुभव दोनों सीमित है ज्ञान प्राप्त करने के जो तीन तरीके अनुभव से प्रत्यक्ष दृष्टिकरण से श्रवण से उसमें श्रवण के द्वारा अधिकाधिक ज्ञान हमारा हमें लगता है कि हम अपने अनुभव से या सामने देखकर इसको जान रहे हैं देखा जाए तो ये अवधि अत्यंत सीमित है प्रत्येक वस्तु के बारे में हम देखकर या अनुभव कर कर नहीं जानते श्रवण कर कर विश्वास कर कर व्यवहार करते हैं 200 500 हजार 2000 5000 हजार हजार साल पहले के इतिहास को भी हमने लिपिबद्ध ज्ञान से समझा है पर उससे पहले की अनेक अनेक और वर्तमान में भी अनेक, अनेक ऐसी स्थिति है वस्तु है जिसमें प्रत्येक प्राणी को सामने से अनुभव नहीं हो रहा है पर हाँ श्रवण कर लिया ये नियम है ये स्थान है ये व्यवहार है ये व्यक्ति है और हमें इस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करना है तो प्रश्न यहाँ अक्रूर पूछ रहे हैं इस प्रकार से उत्तर भगवान उत्तर भगवान उद्धव को देंगे स्कंद ग्यारह में जब यह विषय आएगा आगे श्लोक संख्या तेईस में अक्रूर कहते हैं <coughs> त्वयोदितोयम् जगतो हिताय यदा यदा वेद पथ पुराणा बाध्येत पाशंड पथे असद्भि स्तदा भवान् सत्व विभर्ति अपने समस्त विश्व के लाभ के लिए प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पथ की व्याख्या की थी आपने समस्त विश्व के लाभ के लिए प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पथ की व्याख्या की थी जब भी दुष्ट व्यक्तियों द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण करने के फलस्वरूप यह पथ अवरुद्ध होता है तो आप दिव्य सतोगुण से युक्त कोई न कोई न रूप में अवतरित होते हैं तो भगवान के भक्ति भगवान की समस्त गुह्य घटनाओं को लीलाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं अक्रूर यहाँ भगवान के स्वीकृत भक्तों में आते हैं अक्रूर कहते हैं कि जब जब दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण किया जाता है तब तब किसी न किसी रूप में आप अवतरित होते हैं आप अवतरित होते हैं अपने विभूतियों को पार्षदों को शक्ति रूप में युगावतार रूप में प्रकट करते ही करते हैं इसलिए जब भी इस भौतिक जगत में कोई भी घटना कोई भी समाचार शुभकारी ना हो और हमें भय की आक्रांतता की अनुभूति होने लगे क्योंकि चार प्रकार की अनुभूति होती है मनुष्य और पशुओं को खाना सोना इंद्रियों को सुख देना और भय से रक्षा करना तो जब भी ऐसी अनुभूति होने लगे हमें स्मरण रखना चाहिए कि सभी प्रकार के के भयों ऊपर भगवान है और इस भौतिक जगत में भय की अनुभूति होना तो बहुत ही सामान्य बात है यदि हम अपने आसपास को सुरक्षित करके रखेंगे तो कहीं तीसरे देश में प्रदेश में स्थान पर कुछ ना कुछ ऐसी घटना लगेगी फिर स्वाभाविक रूप से सोचने की समझने की बुद्धि रखने वाला प्राणी अपने भविष्य के प्रति चिंतित होकर भयभीत हो जाता है विचार करने लगता है कहीं युद्ध होगा कहीं महामारी होगी कहीं आर्थिक रूप से विपन्नता आएगी कहीं सामाजिक रूप से मूल्यों का नैतिक चरित्रों का पतन दिखेगा हमें हमें क्या स्मरण रखना है इनमें से कुछ भी हमारे जीवन में तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक उसमें भगवान की स्वीकृति ना हो और जीवन में यदि विचार करके देखें तो वो तो वैसे भी नष्ट होने वाला है तो क्यों ना प्रत्येक समय को भगवान के द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं के द्वारा महापुरुषों के द्वारा किए जाने वाले आचरण को ध्यान में रखकर हम व्यवहार में लेकर आए और फिर हमें इस भौतिक जगत के किसी भी भय से अपने आप को पीड़ित करने की आवश्यकता नहीं है अक्रूर कहते हैं श्लोक संख्या चौबीस में प्रबोध्य वसुदेव गृह स्वांशे न भारम अपने तुमिहासी भूमे अक्षोहिनी शतवधेन सुरेतरांच राज्या ममुष्य चकुलस्य यशोवितन्वन हे प्रभु आप वही परम पुरुष हैं और अब आप अपने अंश समेत वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं आपने देवताओं के शत्रुओं के अंश रूप राजाओं के नेतृत्व वाली हजार हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने तथा हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है तो दार्शनिक अक्रूर राजनीतिज्ञ अक्रूर पारिवारिक अक्रूर आध्यात्मिक अक्रूर यहां अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं दार्शनिक दृष्टि से आप प्रकट हुए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से देवताओं के शत्रुओं के अंश रूप राजाओं के नेतृत्व वाली हजार सेनाओं का वध करते हैं आध्यात्मिक स्थिति के पश्चात सामाजिक स्थिति से पृथ्वी का भार हटा रहे हैं आप पारिवारिक दृष्टि से हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए आपने ऐसा किया तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में कहते हैं अदेश नो वस खलु भूरी भागा अदेश नो वस खलु भूरी भागा यह सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्ति यत्पाद शौच सलिलं त्रिजगत् पुनाति सत्वम हे प्रभु आज मेरा घर अत्यंत शक्तिशाली बन गया है क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है परम सत्य के रूप में आप पितरों सामान्य प्राणियों मनुष्यों एवं देवताओं की मूर्ति हैं और जिस जल से आपने पावों को प्रक्षालित किया है वह तीनों लोगों को पवित्र बनाता है देह इंद्रियातीत आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं तो अपने सुंदर भावों को यहाँ पर निवेदित कर रहे हैं गृहस्थ के रूप में जीवन जीने वाले समस्त साधक अपने गृहस्थ की पवित्रता संपन्नता और अपने जीवन की सदगति तब समझते हैं जब अतिथि के रूप में वो भक्त का स्वागत कर पाए दास के रूप में वो भगवान के विग्रहों को रखकर उसकी सेवा कर पाए अक्रूर के द्वारा यहां पर भगवान के आगमन को इन्हीं पंक्तियों को पुष्ट करते हुए ये बताने के लिए है कि वास्तव में आपके प्रवेश करने से मेरे घर में पधारने से ये अब पवित्र हो गया है जब रघुनाथ दास ठाकुर अत्यंत युवा अवस्था में ही चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में वास करने की आज्ञा पाना चाहते हैं तब चैतन्य महाप्रभु द्वारा उन्हें यह समझा कर भेजा गया वो स्थान जहाँ भगवत स्मृति सदैव है उत्तरदायित्वों को वहन करते हुए साधक द्वारा निभाए जाने से परम पवित्र हो जाती है यदि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन तुम इस समय अपने स्थान पर रहकर करोगे अपनी भक्ति को परिपक्व करोगे तब समयांतर पर तुम्हें मेरा संग भी अवश्य प्राप्त होगा और समस्त गोस्वामी में सबसे अधिक संग प्राप्त हुआ है रघुनाथ दास को स्वामी वहां पर उल्लेख आता है हरिनाम चिंतामणि में भी हमने जब ठाकुर गृहस्थों के लिए क्या सूत्र होने चाहिए और सन्यासियों के लिए क्या सूत्र होने चाहिए वानप्रस्थ वाले स्थिति में दोनों तीनों स्थान पर रघुनाथ दास ठाकुर को संबोधित करते हुए भगवान ने जो शिक्षा दी है वो शिक्षा हरिदास ठाकुर दस नाम अपराध में व्यक्त कर रहे हैं आगे कहते हैं अक्रूर श्लोक संख्या 26 में <Sessizos> कह पंडितस्तव परम शरणं समीयात् भक्तप्रियाद्गिरसुयतह कृतज्ञत् सर्वां ददाति सुयदो भजतो भिकामान आत्मनामापि उपचये अपचयो नयस्य जब आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल कृतज्ञ तथा सच्चे शुभचिंतक हैं तो फिर कौन ऐसा विद्वान होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा जो लोग सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं उन्हें आप मांगा वरदान यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं फिर भी आप में न तो वृद्धि होती है न हास होता है पूर्णतम भगवान पूर्णतया है उनमें से कुछ भी वितरित कर देने से कोई कमी नहीं आती हम सीमित हैं भगवान असीमित है प्रतिदिन हमें कम से कम कई बार ये स्मरण रखना चाहिए तब अपनी शुद्धता का लघुता का अड़ू भाव का स्मरण रहेगा और भगवान के विभु भाव से हम कभी अपने आप को विस्मृत नहीं करेंगे तो भगवान और भक्त दोनों को शुभचिंतक बताते हुए अक्रूर यहां पर कहते हैं अपने भक्तों के शुभचिंतक भगवान उनके सुख के लिए कार्य करते हैं पर भक्त भी जिस भाव से भगवान की उपासना करते हैं वो समस्त कार्य अंततः भगवान के सुख की प्रेम पूर्वक कामना करने में भगवान ने अक्रूर से वादा किया था कि कंस के वध के बाद वो उनके घर जाएंगे और भगवान वो वादा यहां निभा रहे हैं इसलिए अक्रूर कहते हैं कि ऋत गिरा है आप। वचन के प्रति सच्चे हैं थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में हम जो प्रतिदिन भगवान के लिए निवेदित कर पाते हैं भगवानों से सहर्ष स्वीकार करते हैं हम इस भौतिक जगत में किसी की छोटी बड़ी गलतियों को क्षमा करने के लिए अत्यधिक अतिरिक्त प्रयास की अपने स्वभाव में इच्छा रखते हैं किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया और वास्तव में बुरा किया हो सामाजिक दृष्टिकोण से उसको भूल पाना और फिर भी उसके साथ सज्जनता से व्यवहार करना ये सामान्य कृत्य नहीं है पर यदि विचार करके देखा जाए तो प्रतिदिन हमारी भूलों को यूं ही सहर्ष क्षमा करते हुए भगवान हमें अपना संग प्रदान करते हैं अक्रूर कहते हैं हे भगवान हम भले ही आपको भूल जाते हैं पर आप हमें कभी नहीं भूलते हमें लगता है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं वास्तव में भगवान अपने भक्तों द्वारा प्रतिनिवेदित अर्थात बदले में व्यक्ति किंचित मात्र की भी जो पूजा सेवा अर्चना होती है उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं अक्रूर बड़े ही भाव में शब्दों के साथ श्लोक संख्या सत्ताईस में कह रहे हैं दिष्ट जनार्दन भवानी हती तो योगेश्वर पिदुरा गति चिंता धनाप्त गेह। माया हे hey, जनार्दन हमारे बड़े भाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं कृपया शीघ्र ही संतान पत्नी धन समृद्ध मित्र घर तथा शरीर के प्रति हमारी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को काट दें ऐसी सारी आसक्ति आपकी भ्रामक एवं भौतिक माया का ही प्रभाव है अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के समय की उपलब्धता के कारण हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे जिनकी समय की बाध्यता है वो इसको अपनी सुविधा के अनुसार बाद में भी श्रवण कर सकते हैं वास्तव में अक्रूर द्वारा जो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है उसका पुनः उच्चारण करना भी सरल सामर्थ्य नहीं है बहुत बुद्धि की दृढ़ता चाहिए ये कहने के लिए शीघ्र ही संतान पत्नी धन समृद्ध मित्र घर तथा शरीर के प्रति हमारी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को काट दें तो सत्य है कि ये आसक्ति आपकी भ्रामक एवं भौतिक माया का प्रभाव है पर इसको काट दीजिए ये कहने के लिए हमें भी बहुत प्रयास की आवश्यकता है पर बहुत सारे ऐसे साधु हैं आचार्य हैं गृहस्थ भक्त हैं जो इनकी उपलब्धता होते हुए भी समृद्ध मित्र घर शरीर स्वस्थ सुंदर परिवार उसके साथ सबको भगवान का परम आशीर्वाद मानते हुए अपने उत्तरदायित्व का वहन करते हुए क्षण भर भी भगवान से अपने आप की विस्मृति नहीं करते तो इस प्रकार से अक्रूर के द्वारा सुंदर शब्द निवेदित किए गए हैं कहते हैं सुखदेव गोस्वामी संस्तुत भगवान हरि प्राह गोस्वामी ने कहा अपने भक्त द्वारा इस तरह पूजित तथा संस्तुत होकर भगवान हरि ने हंसते हुए अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया है क्या कहते हैं श्री भगवान त्मनो गुरु पित्रव्यश्च श्लाज्ञो बंधुश्च नित्यदा वयम् तु रक्षय पुष्यश्च अनुकम्पया प्रजाहिव भगवान ने कहा आप हमारे गुरु चाचा तथा श्लाज्ञ मित्र हैं और हम आपके पुत्रवत हैं अतः हम सदैव आपकी रक्षा पालन तथा दया पर आश्रित हैं तो जैसे मैया यशोदा को भ्रमित कर दिया था भगवान ने पहले तो अपने मुख के अंदर ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का दर्शन कराते हैं उसके पास उसके पश्चात कहते हैं हाँ हाँ मैया तुमने शायद कान के कारण कुछ देख लिया मेरे मुख के भीतर मैं तो तुम्हारा छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ तो वैसे ही कहते हैं अक्रूर के द्वारा सब कुछ श्रवण करने के पश्चात स्मृत हास्य के साथ कि क्या कहते हो आप तो हमारे चाचा हो श्लाघ्य मित्र हो श्लाघ्य अर्थ अर्थात प्रशंसनीय मित्र हो हमारे गुरु हो हम तो आपके पुत्रवत हैं आपकी रक्षा पर आपके पालन करने पर आपकी दया पर आश्रित है ऐसी बातें ना करें कहते हैं निवेदन प्रति निवेदन में अपने शब्दों को विस्तार देते हुए भगवान भवद्वेधा महाभागा निशेव्या सत्तमा श्रेयस कामेन्द्र भिन्न त्यम देवा न साधव आप जैसे महात्मा ही सेवा के असली पात्र हैं और जीवन में सर्वोच्च मंगल के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत पूज्य महाजन हैं देवतागण सामान्यते अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं किंतु साधु भक्त ऐसे नहीं होते जिस प्रकार तीर्थ स्थान में और साधुओं में साधुओं की महिमा अधिक कही गई है उच्चता और निम्नता की तुलना नहीं है पर यह कहा गया है कि तीर्थ स्थान तो एक स्थान पर रहते हैं साधु भ्रमण कर कर जहां जहां जाते हैं वो वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवतागण और महात्मा में महात्मा अधिक पूजनीय है क्यों क्योंकि देवतागण भले भौतिक लाभ प्रदान कर दे पर भगवान के साधु भक्तों के जीवन में जो असली सिद्धि प्राप्त हो सके जो साधु भक्त हैं उनके द्वारा जो असली सिद्धि प्रदान की जाती है कृष्ण भावनामृत प्रदान करने की जो शक्ति है वो केवल महात्माओं में है तो कृष्ण द्वारा अपने चाचा अक्रूर के प्रति आदर भाव की पुष्टि हो रही है अक्रूर के द्वारा भगवान को पूर्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम श्री हरि के रूप में स्वीकार करने की यहाँ पर पुष्टि हो रही है अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के कहते हैं भगवान कृष्ण महात्माओं के लक्षणों को बताते हुए न म्यानि तीर्थानि न देवा देवामृक्षीलामया ते पुनत्ययुरुकालीन दर्शनादेव साधव न ह्य अपमयानि तीर्थानि न देवा देवामृक्षीलामया ते पुनन्ति ऊरुकालीन दर्शनादेव साधव इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि अनेक तीर्थ स्थानों में पवित्र नदियां होती हैं या कि देवताओं के अर्चा विग्रह मिट्टी तथा पत्थर से बने होते हैं किंतु ये सब दीर्घ काल के बाद ही आत्मा को पवित्र करते हैं जबकि संत पुरुषों के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है तो बिल्कुल वही चर्चा है तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में भी इसको कहा है आचार्यों ने भी व्यक्त किया है कि तीर्थ स्थान स्थान विशेष घटना विशेष के कारण अत्यधिक महत्व के होते हैं पर वहां तक सामान्य जनों को जाना पड़ता है और सभी स्थानों पर सभी पर के लिए पहुंच पाना भी भी संभव नहीं होता और एक बार पहुंच भी कि तो कितनी बार पहुंचेंगे इसलिए चलते फिरते तीर्थ कहे गए हैं साधु महात्मा क्योंकि उनके दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में सदैव से ही साधुओं के सम्मान की अभिव्यक्ति की गई है श्लोक संख्या बत्तीस में कहते हैं सभवान सुना श्रेयान श्रे पांडवा नाम कक्ष स्व दरअसल आप हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं अतः आप हस्तिनापुर जाएं और पांडवों के शुभचिंतक के रूप में पता लगाएं कि वे कैसे हैं। तो आरंभ हो रही है भगवान की यहाँ से राजनीतिक गतिविधियां अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर पांडवों के कुशलता का समाचार प्राप्त करने के लिए श्लोक संख्या तैतीस में उल्लेख करते हैं भगवान इन गतिविधियों को समझने के क्रम में प्रस्तुत करते हुए क्योंकि गतिविधियां तो हस्तिनापुर में समानांतर स्तर पर चल रही थी हमने स्कंद एक में इश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पांच पुत्रों की महाभारत समाप्त हो चुका है वहां उल्लेख श्रवण किया स्कंदिक आरंभ ही होता है वास्तव में बहुत प्रिय घटनाओं से नहीं आरंभ होता है जहां आरंभ हो रहा है वहां महाभारत की समाप्ति के पश्चात बै, बैठे हुए दुर्दंत घटनाक्रमों का उल्लेख है जहां स्कंदिक समाप्त हो रहा है वहां कलयुग का प्रवेश हो रहा है पांडव वंश समाप्त हो रहा है महाराज परीक्षित श्रापित हो चुके हैं तो उत्तरा का प्रसंग हमने श्रवण किया है वहां भगवान द्वारका में बैठे हुए थे पहले से स्कंद एक में भगवान वास्तव में हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं स्कंद दस में भगवान मथुरा से हस्तिनापुर सूचना प्राप्त करने के लिए अक्रूर को भेज रहे हैं परीक्षित महाराज जो साक्षी बन के ये सब कुछ श्रवण कर रहे हैं वो इसी परिवार के वो सूत्रधार हैं जिससे कलियुग के प्राणियों को ये सब कुछ श्रवण करने का अवसर उपलब्ध हो रहा है तो कहते हैं श्लोक संख्या तैतीस में पितरी उपरते बाला सहमात्रा सुदुखिता आनीता स्वपुरम राग्या वसंत शुश्रुमा हमने सुना है कि अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद बालक पांडवों को उनकी दुखी माता समेत राजा द्वारा राजधानी में लाया गया था और अब वे वही रह रहे हैं तेराबिका पुत्र भ्रातृपुत्रेशन धी दी, वर्तते नूनम दुपुत्र असल में अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के वश में आ चुका है अतएव वह अंधा राजा अपने भाई के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है भगवान को सब सूचनाएं हैं देखा जाए तो भगवान की राजनीतिक शिक्षा कोई बहुत विशेष दीर्घ काल के लिए नहीं हुई संदीप ने मुनि के आश्रम में चौसठ दिनों में चौसठ विद्याएं प्राप्त करने वाले भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि धृतराष्ट्र जो अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र है जैसा कि व्यास व्यासदेव ने कहा था धृतराष्ट्र को गर्भ में धारण करते समय जो अंबिका की चित्रवृत्ति थी उसके बारे में ही सत्यवती को बता दिया था व्यासदेव ने अपनी माता को कि यह दुर्बल चित्त वाला व्यक्ति होगा तो कहाँ है ये ये मोहासक्त है धृतराष्ट्र और इसके जो पुत्र हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं महाभारत में जब हम जब हम सभी संभव पर्व में श्रवण कर रहे थे आदि पर्व में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तो वहां पर उल्लेख आता है कि नारद मुनि इस कथा के क्रम में व्यास देव जी द्वारा सत्यवती को ये बताते हैं कि धृतराष्ट्र का चरित्र कैसा होगा और वहीं पर यह भी उल्लिखित है कि विदुर ने जो धृतराष्ट्र के भाई हैं जब जन्म लिया था तो व्यासदेव ने प्रशंसा की थी दुर्योधन के जन्म के उपरांत कहा गया था कि यदि इसको बालक को नष्ट कर दिया जाए तो कुल की वंश की रक्षा हो जाएगी इतने अपशगुन हुए थे और वो सब घटनाक्रम भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात है तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने दुष्ट पुत्रों के वश में आ चुका धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है भगवत गीता के अध्याय एक के बिल्कुल आरंभिक श्लोक को जो प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र अच्छा जहां पर है वहां शिल प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में चर्म चक्षु से रहित नहीं था धृतराष्ट्र वो ज्ञान चक्षु भी खो चुका था दो पात्र हैं हमारे सामान्य श्रवण में एक सूरदास आते हैं दूसरे धृतराष्ट्र आते हैं चर्म चक्षु न होते हुए भी सूरदास की भक्ति का स्तर वो था कि किस दिन गोवर्धन पर्वत पर जो विग्रह है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है किस दिन कौन से वस्त्र भगवान ने धारण किए हैं उसका रंग सूरदास को पता होता था ज्ञान चक्षु भक्ति चक्षु इतने प्रज्वलित थे धृतराष्ट्र है कि सामने भगवान उपस्थित हैं तो भी उनकी स्वीकार्यता को नकार रहा है भगवान कहते हैं अक्रूर को कि उस अंधे राजा के द्वारा अपने भाई के पुत्रों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है साधु साधुवा विज्ञा तत् विधास्यामो यथा शमसु यदाम भवे जाइए और देखिए कि धृतराष्ट्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं पता लग जाने पर हम अपने प्रिय मित्रों की सहायता करने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे तो भगवान ने अपने राजनैतिक कौशल को नेतृत्व को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए सामान्य प्राणियों को सीखने के लिए ये शिक्षा दी है कि अन्याय का प्रतिकार करना और उसमें आवश्यक सहयोग करना केवल शब्दों से केवल काल बजाने का जो मुहावरा कहा जाता है केवल हाँ, हाँ हाँ हम उपस्थित रहेंगे आपकी आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमें बताएं ऐसे नहीं बनना चाहिए हमें हमें हृदय तल से रखनी चाहिए अपने मित्रों और संबंधियों के लिए तो कहते हैं कि जाइए धृतराष्ट्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं ये पता कीजिए और यदि आवश्यकता होगी तो अपने मित्र की सहायता के लिए हम सभी जो भी उचित व्यवस्था करनी है उसको यथाशीघ्र करेंगे श्लोक संख्या छत्तीस में कहते हैं इतरम सामदेश भगवान ईश्वर संकर्षण क्षमा द... वद... कीजिए संकर्षण उद्धवाभ्या वत स्वभावनम यूरम सामदेश भगवान हरि ईश्वर संकर्षण उद्धवाभ्या वे ततः स्वभावनम युदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार से अक्रूर को पूरी तरह से आदेश देकर संकर्षण एवं उद्धव के साथ भगवान हरि अपने घर लौट आए इस प्रकार श्रीमद भागवतम के दसवें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि नामक अड़तालीसवे अध्याय के शिल प्रोपात के विनीत सेवको द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इस अध्याय के साथ ही ये सत्र भी समाप्त हो रहा है किंचित अधिक समय लगा है आज के सत्र के लिए तो अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी श्रवण करें ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी अगले अध्याय में अध्याय उचास जिसका नाम है अक्रूर का हस्तनापुर जाना वहाँ करीब इकतीस श्लोकों के द्वारा हम सभी घटनाक्रम को आगे श्रवण करेंगे तो यहाँ भगवान अपने भक्तों की तुष्टि के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ चुके हैं जहाँ त्रिविक्रा कुब्जा अक्रूर और अब पांडवों की घटनाक्रम की शुरुआत हो चुकी है अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ है सभी को अत्य अत्यंत आभार है श्रील प्रुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीमद भागवतम महापुराण की जय हरे कृष्ण